Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. I hope you all are doing well. दाल हिंदुस्तानी कुजीन में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। देखा जाए तो हम हिंदुस्तानी घर में हर दिन दाल बनती ही है, तो आज इसी दाल से बनाएंगे एक सिंपल और चटपटा सी कबाब रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं आज की ये दाल की चटपटा सी कबाब की रेसिपी। सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी करीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इस ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। इस जीरे को भी ऑयल में 20 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून चॉप जिंजर और थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च और जिंजर को भी तेल में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप चना दाल। इस चने दाल को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था और उसके बाद एक सीटी लगा लिया है प्रेशर कुकर में, और उसको मैं अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसको भी तेल में थोड़ा सा सॉटे करना है। अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। मैं पहले यहाँ पे डाल दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया का पाउडर। इसको भी अच्छे से इसमें मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको सॉटे करना है। इस दाल को मैंने 2 मिनट के लिए सॉटे कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट और साथ में डाल दूंगी रोस्टेड मूंगफली। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। ये जो दाल है ये अब अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चटपटा स्वाद के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद करके ये जो दाल है इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये जो दाल है ये अच्छे से अब ठंडा हो चुका है। अब इसको मिक्सी में पीसना है थोड़ा सा। इसके लिए मैं इस दाल को अब एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफर कर दूंगी। अब इस दाल को पीस लेंगे, पर इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। इस दाल को थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। इस दाल को मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा दरदरा पीसा है। इसको अब मैंने एक बोल में ट्रांसफर भी कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बॉइल्ड पटेटो। बॉइल्ड पटेटो यहाँ पे बाइंडिंग का काम करेगा। अब इस बॉइल्ड पटेटो को भी दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल में हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया था। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्ट की ज़रूरत है तो आप लोग इस स्टेज पे थोड़ा सा सॉल्ट को भी ऐड कर सकते हैं। पटेटो को भी दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेके ऐसे पहले बॉल के शेप में बनाना है। अब इस मिक्सचर को दूसरा हाथ में रख के एक हाथ की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करके ऐसे शेप देना है। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ, आप लोग आपके मनपसंद शेप में इसको बना सकते हो। मैंने एक कबाब बना लिया है, ऐसे ही बाकी के कबाब्स भी बना लेंगे। बाकी के कबाब्स मैंने यहाँ पे बना लिया है, अब इसको फ्राई कर लेंगे। कबाब्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक फ्राइंग पैन। अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। मैं यहाँ पे इन कबाब्स को शैलो फ्राई करूंगी, पर आप लोग इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस तेल में डाल देंगे कबाब्स को। इन कबाब्स को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कबाब्स की एक साइड फ्राई हो चुके हैं, अब दूसरी साइड को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। इन कबाब्स को मैंने दोनों तरफ से ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और कबाब्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर देना। आज यही तक, फिर आप लोग के साथ मुलाकात होगी किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।